कॉमन हो चुका है किसी भी मायने रखता है पब्लिक फिगर हो या कॉमन मैन। आपने भी अब सीएबी और सीए पर आपने भी थॉट्स रखे हैं, मैंने सीए और सीएबी पे थॉट्स नहीं रखे थे क्योंकि मैंने पूरी अच्छे से उसको स्टडी नहीं कर पाई हूँ अभी तक। मैंने इस बात पे थॉट्स रखे थे कि जो मैंने विजुअल्स देखे जामिया में होते हुए वो मुझे अच्छे नहीं लगे, जो मैंने स्टूडेंट्स जो कह रहे थे उनकी बातें सुनी और जो वीडियोस देखी वो बहुत बुरा लगा देख के। कुछ तो बहुत बड़ा हो चुका है या होने वाला है फॉर श्योर, उसको देख के ऐसी पर मुझे एक और चीज लगती है, आई थिंक हर प्लेटफॉर्म वो बात करने के लिए नहीं है आई फील, बिकॉज हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं। आई थिंक इस टाइम बात करने से ज़्यादा हम सबको बैठ के पहले सोचना चाहिए उसके बाद कुछ बोलें, बिकॉज बात करने को तो बहुत कुछ है हमारे पास। मैंने आपको यही बोला ना कि अभी अगर मैं पूरे अच्छे से पढ़ चुकी होती इस एक्ट को तो मैं जरूर उस पर टिप्पणी देती। अगर आपको नहीं पता पूरा सब कुछ, क्योंकि हर रोज में कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है मुझे उसके रिगार्डिंग, हर कोई उसको डिफरेंट पहलू से जज कर रहा है, तो मैं अभी जजमेंट दे दूं पूरी सारे पहलू देखे बिना आई थिंक फेयर नहीं होगा। एज अ पब्लिक फिगर आई थिंक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर रखूंगी कि जिस दिन मुझे सारे पहलू समझ में आ गए उस दिन जरूर कमेंट रखूंगी। मैंने पहले भी काफी चीजों पे अपने कमेंट दिए हैं और मैं डरती नहीं हूँ कमेंट देने को, बट मुझे पूरा नॉलेज अपनी तरफ से होनी चाहिए। जी आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पीस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट व्हिच इज नीडेड एट ऑल एंड्स। वी नीड टू स्टॉप वॉयलेंस चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर हो। आई थिंक बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर एवरीबॉडी, बी इट द स्टूडेंट्स, बी इट पुलिस, बी इट एनीबॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड से पीस एंड हार्मनी इज द नीड ऑफ द आवर। हमें हासिल नहीं होगा राइट नाउ, व्हाट वी नीड इज प्रॉपर कॉन्वर्जेशन ऑन द टॉपिक, पीपल नीड टू बी हर्ड, द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग, आई थिंक साइलेंट प्रोटेस्ट थिंग विच इज़ आर राइट, सो पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग conversation with the government and I think the point of views need to come out. So only the violence part is something right now which needs to be curbed, and right now we all need to come together as a secular India that we are and just have a conversation as adults and sort the issue out. Haan main kafi is par study kar raha hu, is par kafi matlab jo bhi Google par research ya fir logon se baat karke research ho raha hai, तो ये सब चीज़ें देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें एक ज़रूरत भी है ये करना, लेकिन किस तरह से करें वो भी बहुत ही एक ट्रिकी ये मुद्दा है, तो इसे बहुत सेंसिटिवली इसका सामना करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लेगी करेगी या जो भी हो, अभी तो अमल हो चुका है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो सिटीजन्स हैं हम प्रोटेस्ट करें या जो कुछ भी करें उसमें हम डैमेज ना करें, हम कोई उस तरह की वायलेंस ना करें, क्योंकि अगर हम अपने देश के हित में एक डिसीजन चाहते हैं तो हमें भी अपने देश के हित में ही काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो लोग अपने देश के ही प्रॉपर्टी को बिगाड़ रहे हैं वो खुद ही देश के हित में नहीं है, तो उनके उनकी बात या उनकी प्रोटेस्ट कौन सुनना चाहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फियर साइकोसिस है इससे हमें दूर रहना है, ये जो बेकार की मैसेजेस और ये व्हाट्सएप और ये सब चलते रहता है, लोग बोलते हैं अब ये हो जाएगा, नेक्स्ट चीज़ तो ये हो जाएगी, अब तो तुम्हारे घर आके तुम्हें मारेंगे, ये सब जो लोग कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए। We should act more responsible and not give in to such fear psychosis. I'm not going to talk about it today. I think the next few days is there's a lot of opportunity to talk about it. I think tomorrow is also a day. So there will be a times and the right opportunity and the right mahol to talk about these things, and I will. If you catch me there, I will happily give you my comments.